5000 साल पुराना कंकाल बोलेगा। ये जो मैं जगह दिखा रहा हूँ आपको, इस जगह पर यहाँ पे एक कॉफिन में एक सैनिक का कंकाल था। महाभारत युद्ध के सभी राज खोलेगा। अब ये आपको ह्यूमन बोन दिख रही है, ह्यूमन। अच्छा, अब अगर इसका डीएनए हो, इसको प्रॉपर्ली देखा जाए। अंतहीन गुफा की गहराइयां बोलेंगी। यहाँ पर सुरंग है, 2 लाख से अगर यहाँ पर खंडर है। इतिहास में दर्ज गलतियों की पोल खोलेंगी। बहुत समृद्ध सभ्यता रही होगी महाभारत कालीन। ऐसा माना जाता है कि 5000 साल लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है। तमाम जो किंवदंतियां इतिहासकार बताते हैं आर्यंस को लेकर, आर्यंस बाहर से ऑस्ट्रेलिया से इधर उधर से आए हैं, ऐसा ये चीजें सब इसको झुठला देंगे। बोलेगा मुकुट कि वो किस राजा की सरसजता था। बोलेगा रथ कौन उस पर सवार होकर युद्ध लड़ता था। वेपन्स हमें मिले हैं, एंटीना सोर्ड मिला है, शील्ड मिला है, हेलमेट मिला है, चैरियट मिला है। बोलेंगी तलवारें, बोलेंगे पहिए। भारत वर्ष का वो इतिहास जो है अद्भुत, अविश्वसनीय और कल्पनीय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जो लोग भारतीय सभ्यता को विदेशों से आयातित मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारतीय सभ्यता नई है, जो लोग ये मानते हैं कि रामायण महाभारत काल्पनिक हैं, सच्चाई नहीं, उन लोगों को हमारे आज के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय साक्ष्य जरूर देखने चाहिए। ये प्रमाण है योद्धाओं के रथ के, ये प्रमाण है अस्त्र के, शस्त्र के, मुकुट के। नरकंकाल मिले हैं ताबूतों में रखे हुए। ये प्रमाण है कि समानांतर सभ्यताओं के मुकाबले भारतीय सभ्यता अधिक विकसित थी। अथ श्री महाभारत कथा। इस रथ पर हजारों साल पहले जाने कौन सा महारथी सवार हुआ हो। इन आभूषणों से युगों पहले न जाने किस राजकुमारी का श्रृंगार हुआ होगा। पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की, किसका होगा ये धनुष, किसकी होगी ये समाधि। उत्तर प्रदेश के बागपत में खुदाई के दौरान ऐसी ऐसी हैरान करने वाली चीजें निकली हैं कि दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैरत में पड़ गए हैं। इस उपमहाद्वीप में पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह का बरियल सिस्टम प्रकाश में आया, जिसमें न सिर्फ कॉफिन है और कॉफिन के ऊपर डेकोरेशन है, बल्कि उसके साथ साथ और बिलोंगिंग्स, जैसे चैरियट है जिसको हम हिंदी में रथ कह सकते हैं, तो रथ भी रखे गए हैं, साथ साथ उनकी और बिलोंगिंग्स रखी गई है। भारत में तो वेदों, पुराणों, ग्रंथों में ये सारी बातें दर्ज रही हैं, लेकिन बीतते समय के साथ इसे कल्पना की श्रेणी में डाल दिया गया। महाभारत को महाकाव्य मान लिया गया, लेकिन बागपत में जो चीजें पाई गई हैं, अगर उनकी उम्र पर मुहर लग गई तो दुनिया को अपना इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा। वेस्ट यूपी के अंदर 2 एक्सकेवेशन अभी रिसेंट हुए हैं, एक सिनोली का हुआ, एक बरनावा का हुआ। तो उन दोनों ने जो एक बहुत बड़ी थ्योरी है, आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, AIT जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, कि हमारा विकास तब हुआ जब आर्य यहाँ पर आए। एक्चुअली आर्यन को उन्होंने इस तरह से बना दिया कि आर्यंस बाहर के लोग थे और बाहर से आके उन्होंने हमें सिविलियन किया, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो एक तरीके से ट्राइबल थे। आज हिंदुस्तान को एक ऐसा सिरा मिला है कि जिसको पकड़ के हिंदुस्तान अपनी पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। महाभारत में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे। उनमें से एक था वर्णावत, जहां पर बरनावा में हम इस समय खड़े हैं, इसी का ऐतिहासिक नाम वर्णावत हुआ करता था।
यहाँ पर वो लाक्षागृह भी है जहाँ पर पांडवों को मार डालने का षड्यंत्र रचा गया था। दरअसल यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहानी हमेशा से सुनाते आए हैं, इसमें यकीन करते आए हैं, लेकिन इतिहासकारों ने भी हमेशा इसे कहानी समझा और कभी भी ये नहीं सोचा कि शायद शोध करें, रिसर्च करें तो कोई दूसरा कोण सामने निकल आए। खुदाई में जो तलवारें निकली वो किसकी थी? जमीन में दफन मुकुट किसका था? कौन था वो जो दफन है यहाँ हजारों साल से, जिसकी समाधि पर भगवान पशुपतिनाथ की मुद्राएं अंकित हैं? वो खंजर किसके थे? तांबे से मढ़ा हुआ वो दर्पण किसका था? और किसका था वो रथ जिसके पहियों पर अब भी 5000 साल पुरानी विकसित सभ्यता के निशान दर्ज हैं? रथ निकला तो पुरातत्व विभाग के साथ साथ इतिहासकारों के होश उड़ गए, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक की यह पहली खोज थी जिसमें रथ का ढांचा मिला था, जिससे ये भी पता चलता है कि 5000 साल पहले भी हमारे पूर्वज पहियों पर रथ दौड़ाते थे। तो हमारी सभ्यता कंटेम्पररी वर्ल्ड में, हमारी संस्कृति में ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जा रही हैं। इसलिए यहाँ जो मिल रहा है ये वेल डेवलप, ये पूरा का पूरा चैरियट हमें मिल गया जो पहले कभी किसी एक्सकवेशन में, किसी उत्खनन में नहीं प्राप्त हुआ था। अगर ये एक्सकवेशन और बड़े लेवल पे भारत सरकार कराती है तो यहाँ घोड़े भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि ऐसे एविडेंसेस रॉक आर्ट में, ड्राइंग्स में मिल रहे हैं। हाँ। और जो मानव सभ्यता के प्राचीनतम प्रमाण है। तो ये कंकाल किसके? क्योंकि महाभारत के अनुसार पांडवों ने युद्ध जीता, कुछ सालों तक राजपाट संभाला और फिर हिमालय की ऊंचाइयों पर जाकर प्राण त्यागे। तो अगर कंकाल युद्ध भूमि में मारे गए लड़ाकों के हैं तो क्या ये कौरवों के हैं, या पांडवों की तरफ से युद्ध में मारे गए सैनिकों के, या फिर सेनापतियों के? क्योंकि रथ पर मुकुट पहनकर युद्ध लड़ने वाला कोई आम व्यक्ति तो रहा नहीं होगा। ऐसी चीजें एक हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, एक वॉरियर क्लास, योद्धा क्लास को दर्शाता है। बागपत का क्षेत्र इसीलिए अद्भुत है क्योंकि सदियों पुराने अवशेष मिट्टी की सतह पर भी दिखते हैं और चंद फीट की खुदाई में ही अविश्वसनीय चीजें मिलने लगती हैं। ये जो पूरा टीला है, यहाँ कितने एविडेंस भरे पड़े हैं। अब ये आपको ह्यूमन बोन दिख रही है, ह्यूमन बोन। अब अगर इसका डीएनए हो, इसको प्रॉपरली देखा जाए, अब सीधे ये ब्रिक दिख रही है। आप ये देखिए, पूरा का पूरा पोर्ट दबा हुआ है, ये चारकोल दिख रहा है। अब इस चारकोल की अगर ढंग से कार्बन डेटिंग, ये चारकोल ना, अगर ये सबसे बड़ा एविडेंस है, चारकोल यानी कि मानव सभ्यता थी, यहाँ उसका चूल्हा रहा है आदमी का। अच्छा। और ये चारकोल दिख रहा है पूरा, ये ह्यूमन आपको दिख जाएंगे सारी की सारी। अब ये पूरी पोर्ट दिख रही है, अब इसको कौन झुटला सकता है जो चीजें। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह है जहां कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था। लाक्षागृह यानी लाख से बनी इमारत जो आसानी से जल सकती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि लाक्षागृह के निशान आज भी मौजूद हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि ज्वलनशील लाख से बना होने के कारण अब भवन का अवशेष मिल पाना असंभव है। लेकिन हाँ, उसके टीले पर स्थित होने का वर्णन था और यहाँ मिट्टी का टीला साक्षात है। ASI के कुछ बोर्ड भी हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जिस लाक्षागृह का जिक्र महाभारत में मिलता है वो कभी यहीं पर हुआ करता था। महाभारत में ये भी जिक्र मिलता है कि पांडवों को लाक्षागृह के षड्यंत्र के बारे में पहले से पता चल गया था और वो एक सुरंग के रास्ते वहां से निकल गए थे। मिट्टी के टीले से लगी सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जाती थी, हमें भी वहां एक सुरंग मिली। तो क्या ये वही सुरंग है जिसके रास्ते से होते हुए पांडव बच निकले थे? हमने स्थानीय लोगों से बात की। ये कौरव पांडवों ने बनाई गई थी और जब उनकी मारने की प्लानिंग बनाई गई थी, वे इसी सुरंग में प्रवेश हुए थे। वहाँ उनके पुराने जितने भी इतिहास हैं वे सबको दिखाए जाते हैं। 16-16 किलो की तो ईंट है, उनके जो बड़े बड़े कंगाल हैं वे भी दिखाए जाते हैं, जो उनकी निशानी है जो खुदाई में निकलते हैं वे अब भी दिखाई जाती है सबको। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है,
यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाक्षाग्रह है और यही वो गुफा है जहाँ से होकर पांडव निकले थे। लाक्षाग्रह में जो षड्यंत्र था उनके खिलाफ, उससे बचकर यहीं से निकले थे। लेकिन आपको इसमें निर्माण दिखेगा तो ताज़ा निर्माण दिखेगा, वो इसीलिए क्योंकि समय के साथ बहुत अलग अलग लोगों ने इन गुफाओं का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया। लेकिन इसके भीतर घुसते हुए हम ये ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे कि ये गुफा अंदर से कैसा है। तो ये बेहद संकरी गुफा है, आप देख सकते हैं, और लोग यहाँ पर अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है कि बहुत हाल में इस गुफा को खोदा गया है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये पौराणिक है। लेकिन जो कहानी है, जो पौराणिक कहानी है, वो ये कि ये नदियों का जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर ये गुफा जाकर खुलती है। जो उल्लेख है महाभारत में वो ये कि जब लाक्षाग्रह में पांडव वहाँ से भाग कर निकले थे तो वो इसी गुफा से होते हुए और बाहर की ओर निकले थे। लेकिन अब आप नदियों तक भी नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि इसकी छत बहुत इलाकों में नीचे धंस गई है, इसीलिए लोग भी इसके भीतर जाते नहीं है। कहते हैं कि इतनी लंबी ये गुफा हुआ करती थी कि एक जगह से दूसरे जगह कोई अनजान व्यक्ति जाए तो वो खो भी सकता है। दरअसल जहां लाक्षाग्रह के लिए पुरातात्विक पड़ताल चल रही है, वहां करीब 500 साल पहले एक किला और दरगाह बने। मुगल कालीन निर्माण के साथ मान्यताएं घुल मिल गई और अलग अलग बातें होने लगी। जी वो तो बस वो फकीर आदमी था, वो अपना इसने मजदूरी वजदूरी दे के अपना एकांत में रह के महाराज था, वो रह कहते हैं इसमें। भीषम नाम था उनका, एक महाराज हैं भीषम जो अब तो मर चुके। उन्होंने लगभग 30 साल पहले यही गांव के लोगों से खुदवाया था, वो एकांत में रहना चाहते थे। पहले वो बहुत दूर जंगल में भी रहते थे, उसके बाद में यहाँ रहे। महाराज को तो हमने देखा है, लेकिन गुफा हमसे पहले ही खुदवा चुके थे वो, जैसा सुनने में आया। अभी वो बनाने वाले लोग भी बरनावा के अंदर हैं, उनके वालिद तो मर चुके लेकिन वो उनका बेटा है जो उनके साथ में काम करता था। इतिहासकारों का मानना है कि बात हजारों साल पुरानी है, लिहाजा अलग अलग मत है, क्योंकि तब से अब तक कई और राजाओं का यहाँ शासन रहा और उन्होंने अपने अपने हिसाब से यहाँ निर्माण कराए। महाभारत की कहानी के अनुसार उस दिन लाक्षागृह में एक आदिवासी परिवार ठहरा हुआ था जिसमें एक महिला और उसके 5 पुत्र थे। लाक्षागृह में आग लगने पर पांडव द्रौपदी समेत सुरंग के रास्ते सकुशल बाहर निकल गए, लेकिन वो आदिवासी परिवार उसी में जलकर खाक हो गए। 5 लोगों के जले हुए शव मिले तो हस्तिनापुर तक ये संदेश गया कि पांडव लाक्षागृह में जल मरे। वक्त के साथ यहाँ मिट्टी के टीलों ने अपनी जगह बना ली और भारत का समृद्ध इतिहास महाकाव्य के किस्से में बदल कर रह गया। लेकिन 2005 में जब इस क्षेत्र के आसपास खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ महाभारत काल के निशान आज भी मौजूद हैं। महाभारत संबंधित हमने बराट में खोदा है और इसके बाद में जहाँ जहाँ भी हमको ये पेंटेड गेवर मिला है उन जगहों की भी हमने खुदाई की है। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भी पेंटेड गेवर पाया जाता है उसके नीचे हमको हड़प्पा के अवशेष मिलते हैं। अब तो खेती बाड़ी की जमीन है, हर जगह आपको फसल नजर आएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि कोई एक युग ऐसा भी था जब यहीं पर इसी धरती पर लड़े जाते थे युद्ध। हम इस समय जिला बागपत के गांव सिनौली में मौजूद हैं। जो सबसे बड़े प्रमाण मिले हैं महाभारत काल के, जिनकी अभी जांच चल रही है, वो सब यहीं पर मिले थे। आप सोचेंगे कि मैं एक खेत में खड़ी हूँ, यहाँ पर पीछे गन्ने की फसल है और हर तरफ यही है, क्योंकि ये पूरा जो है ये शुगरकेन बेल्ट ही है, यहाँ पर गन्ने की ही खेती की जाती है। लेकिन उसके बीच किसे मालूम था कि ये ज़मीन मुमकिन है कभी रक्त रंजित रही, क्योंकि यहीं पर मेरे ठीक पीछे जो थोड़ा थोड़ा गीला सा हिस्सा आप देखते हैं वो गीला इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर मिट्टी भरा गया है वहाँ की खुदाई के बाद, ताकि इस पूरे इलाके को संरक्षित रखा जा सके। यहाँ से चीज़ें निकालकर दिल्ली में लाल किले पर भेज दी गई हैं, जहाँ पर विदेशी एक्सपर्ट्स भी जांच कर रहे हैं कि ये किस काल के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से इसके ठीक बगल में मैं बताऊँ, यहाँ से एक चारपाई निकली, उसके बगल से ताबूत, कुल 3 कंकाल यहाँ पर निकले हैं, 3 ताबूतों में मुकुट भी उनके साथ। और जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पर वो रथ निकला था,
एक साबुत रथ। यूं तो पूरी दुनिया में जब कहीं पर भी खुदाई हुई है, मेसोपोटामिया से लेकर के सभ्यता के निशान ढूंढने से लेकर भारत तक, कई दफा पहिए या फिर कोई एक हिस्सा मिल जाता है। लेकिन सोचिए, ये जो आपको धरती का ये टुकड़ा दिख रहा है जहाँ पर खेती भी की जाती थी, वहाँ पर जमीन के नीचे एक साबुत रथ निकला। यहाँ पर कई चीज़ें इतनी भारी बताई गई कि उन्हें उठाने के लिए लोग जुट जाते थे, लेकिन वो चीज़ें अपनी जगह से टस से मस नहीं होती थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, और सबके मन में, आपके मन में भी उठ रहा होगा, कि आखिर ये कौन सी अविश्वसनीय परंपरा है कि अगर ये महाभारत काल के हैं, महाभारत काल के योद्धा हैं, तो इन्हें दफनाया क्यों गया आखिर ताबूत में रख। मुकुट मिले तो लगा ये अवशेष राजसी, तलवारें मिली तो लगा ये अवशेष योद्धाओं के, लेकिन जब कब्र मिली तो सवाल उलझ गया, क्योंकि उन कब्रों पर भगवान पशुपतिनाथ की मुद्राएं अंकित थी, लेकिन अगर दफन होने वाले राजा हिंदू थे तो उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया, कब्र में उन्हें क्यों दफनाया गया। सिनौली से खुदाई में जो 8 कब्र मिली, उनमें से 3 शव किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के थे। उनके सिरहाने उनका मुकुट था, आभूषण थे, शस्त्र भी साथ में दफनाए गए। यहां तक कि रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन भी। और उनके पैरों की तरफ रथ भी गाड़ दिया गया, यानी एक योद्धा की जितनी भी निशानियां हो सकती थी वो सब खुदाई में प्राप्त हुई। जबकि बाकी 5 कब्र में कहीं और से लाए गए मृत व्यक्तियों की अस्थियां दफनाई गई थी। हालांकि उनके साथ भी कुछ न कुछ सामान मिला। जानकारों का मानना है कि जो 3 मुख्य कब्र हैं, वो निश्चित तौर पर सेनापतियों की हैसियत वाले लोगों की रही होंगी, जबकि बाकी की 5 उनके साथी सिपाहियों की। इस जगह, ये जो मैं जगह दिखा रहा हूँ आपको, इस जगह पर, यहाँ पे एक कॉफिन में एक सैनिक का कंकाल था। इसके अलावा थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ एक और कंकाल था। ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार के ये यहाँ पे जो यहाँ जो दफनाया गया था वो सेनापति या कोई राजा रहा होगा, इसके साथ 2 सैनिक रहे होंगे, इसके साथ इसकी ज़रूरत का साथ जो सामान और लड़ाई का साथ जो सामान, दोनों काफ़ी संख्या में लगाया गया था। इसका जो कंकाल था, इस कंकाल के ऊपर बड़ी बड़ी माला मनकों में लगी हुई थी, मुकुट सिर पे था, और उसके कॉफिन के साथ बराबर में रथ रखा हुआ था, रथ का जुआ बिल्कुल उसके पैरों के बराबर तक आ रहा था। सिनौली से पहले बरनावा में तो 100 से ज्यादा कंकाल मिले थे। उनमें और सिनौली में मिले कंकालों में समानता भी पाई गई, और ये माना जा रहा है कि कम से कम 5000 साल पुराने अवशेष तो हैं ही, पर चूंकि हिंदू धर्म में दफनाने की प्रचलित परंपरा नहीं है, इसीलिए बात समझ से परे थी। जो बरियल प्रोसेस है, उस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये, अगर आप ऋग्वेद में या और वैदिक और बाद के लेटर वैदिक पीरियड के जो टेक्स्ट हैं, उस टेक्स्ट में दग्धा, अंदग्धा और ये शरीर को एनिमल्स के और चिड़ियों को खिलाने के एविडेंस से ये चर्चा उसमें मिलता है।
तो वो सारे प्रोसेस ये यहाँ सनौली के बरियल में भी दिखाई देता है। एक कंकाल के पास चिड़िया का कंकाल भी मिला तो ये भी बताया गया कि एक कंकाल के साथ कुत्ता दफन किया गया था। जानकार ये कह रहे हैं कि मुमकिन है उस समय पालतू जानवरों को भी साथ दफनाया जाता हो। ऐसा उदाहरण केरल की हजारों साल पुरानी प्रतिहार सभ्यता में भी देखने को मिलता है, पर उत्तर भारत में ये पहला मामला है। अद्भुत है, हजारों हजार साल पुरानी चीजें मिट्टी के नीचे ऐसे संरक्षित हैं, मानो कुदरत इस इंतजार में रही हो कि आने वाली पीढ़ियों को अपना साबुत इतिहास देखने को मिल जाए। 1952 में पहली बार हस्तिनापुर में महाभारत काल के प्रमाण ढूंढने के लिए खुदाई की गई थी, बहुत सारी चीजें सामने आई थी। और अब जो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमाणों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक बात साफ हो रही है कि दोनों जगहों का कनेक्शन है, इस पूरे इलाके का कनेक्शन है। ये पूरा एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा था। आइए आपको भी पांडवों के उस इलाके में लिए चलते हैं जिसका जो विस्तार है वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। हिंदुस्तान का भूगोल आज भी उन सभी जगहों की गवाही देता है जहां कभी महाभारत का युद्ध लड़ा गया। वर्तमान के हरियाणा की सीमाओं में कुरुक्षेत्र है, दिल्ली से सटा इंद्रप्रस्थ है, हस्तिनापुर है, उन गांवों के निशान हैं जो पांडवों ने कौरवों से मांगे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प है अपनी परतों में प्रमाण संजोए इस क्षेत्र की मिट्टी जो रह रहकर इतिहास उगलती है। महाभारत काल के रथ, मुकुट, यहाँ तक कि कंकाल हमने आपको दिखाए। आइए अब उस क्षेत्र की ओर आपको लिए चलते हैं जहाँ भीष्म पितामह ने त्यागे थे प्राण। हे महापुरुष, मुझे आपसे पहले जाना है, इसलिए इस ब्राह्मण का अंतिम प्रणाम। महाभारत में जिक्र मिलता है कि कुरुक्षेत्र के जिस मैदान में महाभारत का युद्ध लड़ा गया वो 48 कोस तक फैला हुआ था। समय के साथ बस्तियां बसी, गांव बसे, लेकिन महाभारत की निशानियां अपनी जगह पर रही। ऐसा ही महाभारत कालीन एक और साक्षात सबूत है, नरकातारी गांव में भीष्म पितामह को समर्पित ये तीर्थ। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उतरायन लगा, न यम आए, न यम के दूत आए, भगवान सोम आए, दिव्य ज्योति जो है बैकुंठ को चली गई, उनको ऊपर वही पद प्राप्त हो गया वासु का। जो शरीर बचा उसका यहाँ संस्कार किया गया, इसीलिए धर्म ग्रंथों में यहाँ का नाम आता है अनर्क तीर्थ। अनर्क माने जहाँ नरक नहीं होता, आजकल इसको सरल में हिंदी में कहते हैं नरकातारी। सौभाग्यवती भव, हे पुत्री, निकट अतीत में जो कुछ भी हुआ हो, तुम सदैव भरत वंश के मान और सम्मान का प्रतीक मानी जाओगी। ऐसी मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां वाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे रहे थे। अर्जुन ने उनकी प्यास बुझाने के लिए जिस जगह तीर चलाया था उसे वाण गंगा कहा जाता है। सदियों से यह स्थान लोगों के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। हे पार्थ, हृदय की इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। खड़ा कैसे हो जाओ मधुसूदन, खड़ा कैसे हो जाओ? पितामह का वध करने के लिए खड़ा कैसे हो जाओ? युद्ध में जब अर्जुन ने सामने अपने सगे संबंधियों को देखा तो हथियार रख दिए। तब श्री कृष्ण ने कर्म का जो सिद्धांत दिया वो आज भी सनातन धर्म की रीढ़ है। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो, कर्म। हजारों साल बीत गए लेकिन वो पल आज भी कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में रुका हुआ है। दुनिया भर से लोग वहां आज भी आते हैं। आम बोलचाल में उसका नाम अब ज्योतिसर तीर्थ पड़ चुका है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये वही स्थान है। जो जानकारी ऐतिहासिक दस्तावेज से या खोजों से मिलती है उसके अनुसार कुरुक्षेत्र, अमीन, पेहवा, कैथल का कुरुक्षेत्र, ये सारा वो क्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध जो है वो किया लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में ही अभिमन्युपुर नाम का ये गांव इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के लोगों ने महाभारत के अभिमन्यु को भुलाया नहीं, बल्कि जहाँ उसका रक्त गिरा उसे हमेशा के लिए सहेज कर रख लिया। अभिमन्युपुर गांव के पास ही है कर्ण का टीला। ऐसी मान्यता है कि ये वो स्थान है जहाँ अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण के रथ का पहिया धंस गया था। ये एक दो शहरों की बात नहीं है, एक दो इलाकों की बात नहीं है, हर जगह इस तरह की चीजें मिल रही हैं खुदाई में। और सिर्फ यहाँ तो वो इलाके हैं जहाँ पर शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, बाकी इलाकों की सोचिए, आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, जैसे द्रौपदी कुंड हो गया, पांडवों की गुफाएं हो गई, यहाँ तक कि कानपुर के नज़दीक तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर द्रोणाचार्य का किला है, बताया जाता है वहाँ पर वो अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दिया करते थे। तो अब ये सारी चीज़ें क्या सुनी सुनाई बातें हैं, कहानियाँ हैं, क्या सिर्फ समय के साथ उन जगहों का नाम थोड़ा थोड़ा बदल गया, कुछ इमारतों का हिस्सा रह गया, ज़मीन के नीचे कुछ रह गया, ये सारी चीज़ें तो तभी पता चलेंगी ना जब शोध का काम होगा और बहुत विस्तृत होगा और सारे तबके उसे कबूल करेंगे। महाभारत को भारत का इतिहास मानने की जगह काल्पनिक महाकाव्य बताने वाली थ्योरीज पर शंका होना लाजमी है, क्योंकि अलग अलग प्रसंगों में जिस जिस जगह का वर्णन किया गया है उस जगह पर उसके साक्ष्य मौजूद हैं। महाभारत युद्ध के साक्ष्य कुरुक्षेत्र में मिलते हैं, तो कौरवों पांडवों के साम्राज्य हस्तिनापुर के सबूत आज भी उचित शोध की बाट जो रहे हैं। प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर में सदियों से खड़ा यह खंडहर देखने में सिर्फ एक मिट्टी का टीला है, जिसे अब उल्टा खेड़ा कहा जाता है, लेकिन अवशेषों में आस्था तलाशते विश्वास का दावा अलग है। माना जाता है कि इसी टीले की मिट्टी के नीचे कभी वो राजमहल हुआ करता था जहां से द्वापर के सर्वशक्तिशाली हस्तिनापुर साम्राज्य की सत्ता चला करती थी। इसमें 1951-52 में डॉक्टर बीवी लाल ने 2 साल एक्सकवेशन किया था, एक वर्टिकल ट्रेंच डाली थी, और उसके बाद उन्होंने इसके अंदर जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की और जो अवशेष मिले और जिस प्रकार से इसके अंदर लेयर्स मिली थी, जो एक वहाँ पे माउंड है, एक जिसको उल्टा खेड़ा कहते हैं, वो असल में माउंड है, हजारों साल से लोग एक ही स्थान पे रहते रहते हैं, तो वो ऊंचा टीले की तरह बनता जाता है। तो जब उसको हम एक स्लाइस काटते हैं तो उसके अंदर का पता चलता है। तो जब उन्होंने उसके अंदर काट के वो रिसर्च की और उसके अंदर देखा, तो जो सबसे नीचे स्तर पे एक तरह की पॉटरी मिली, कुछ अवशेष इस प्रकार के मिले जो उसी पीरियड के होते हैं जिस प्रकार जिसको हम लोग महाभारतकालीन एपिक एज मानते हैं। युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर को ही अपनी राजधानी बनाया और यहीं से अपना राजपाट चलाया करते थे, लेकिन गंगा में बाढ़ आने पर यह क्षेत्र अक्सर डूब जाया करता था, लिहाजा पांडवों ने यहां से दूर उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी को अपनी राजधानी बना लिया। राजधानी बदल गई, लेकिन हस्तिनापुर के कण-कण में महाभारत काल की निशानियां अब भी हर तरफ बिखरी हुई हैं। कि हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र, ये सारा हरियाणा और मेरठ वाला एरिया है, ये सरस्वती का एरिया होता था, सरस्वती दृश्यद्वती का यही एरिया था। इस एरिया में राखीगढ़ी, भिराना, बनवाली, कुनाल 4 प्राइम साइट है, जिसमें आपको तरह तरह की टेराकोटा, मटके, मनके, हथियार, धनुष, वान, मोती, गहने, सब कुछ मिला है। मुख्य महल के अवशेष वाले टीले के बराबर में पांडेश्वर महादेव का एक शिव मंदिर है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर पर पांडवों की अगाध श्रद्धा थी और द्रौपदी इसमें पूजा करने रोज आया करती थी। इसी मंदिर के पास एक विशालकाय वृक्ष है, जिसकी पहचान महाबली भीम के नाम से की जाती है।
स्थानीय मान्यताओं को इतिहास नहीं माना जा सकता है, लेकिन कई दफा मान्यताओं के आधार पर जब गहन पड़ताल होती है तब प्रमाण सामने आते हैं, जैसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हस्तिनापुर में द्रौपदी को समर्पित द्रौपदी घाट के दर्शन किए जा सकते हैं। कर्ण द्वारा स्थापित शिव मंदिर में भक्तों की पूजा अर्चना देखी जा सकती है। तो ऐसा बताते हैं कि वो कर्ण किसी कढ़ाओं में अपनी आहुति देते थे देवी को प्रसन्न करने के लिए, और वो खुश होकर के देवी उन्हें सोना देती थी, और यहाँ बैठ करके कर्ण गंगा स्नान करके उसको दान करते थे पब्लिक को। ये नित्य क्रिया में था उनकी। साक्ष्य सिर्फ कुरुक्षेत्र या हस्तिनापुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हिंद से लेकर पाकिस्तान के सिंध तक और कश्मीर से लेकर पंजाब तक जगह जगह पाए जाते हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और दुर्योधन के मामा शकुनी जिस गांधार प्रदेश के रहने वाले थे, वो स्थान सिंधु नदी के पश्चिम में रावलपिंडी के पास पड़ता है। जम्मू कश्मीर में हिमालय श्रृंखला के उत्तर में मध्य प्रदेश स्थित था। मध्य प्रदेश की राजकुमारी माद्री दो पांडव नकुल और सहदेव की माँ थी। महाभारत काल में मध्य प्रदेश पर राजा शल्य का शासन था। द्रौपदी के पिता द्रुपद जिस पांचाल प्रदेश के राजा थे, वो स्थान हिमाचल प्रदेश में चंबा नदी के पास पाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल के साथी गोकुल, वृंदावन और उनके राज्याभिषेक का साक्षी मथुरा उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थान है। कर्ण जिस अंग देश के राजा थे, वो स्थान उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास है। वो मत्स्य देश जहाँ पांडव एक साल अज्ञात वास में ठहरे थे, वो राजस्थान के उत्तर में है। गुजरात के पाटन में वो क्षेत्र है जहाँ भीम ने हिडिंब राक्षस का वध किया था और हिडिंबा से शादी की थी। भगवान कृष्ण ने मथुरा के बाद जहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था, वो द्वारका भी गुजरात में समुद्र तट पर थी। समय के साथ द्वारका समुद्र में डूब गई, लेकिन उसके अवशेष अब भी समुद्र की गहराइयों से मिलते हैं। मैं कहूँ कि अफगानिस्तान से लेके गांधार से लेके लोहित्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तक, और इधर तिब्बत से लेके इनफैक्ट त्रिगर्त श्रीलंका तक, और इधर आंध्रा कलिंगा से लेके उधर द्वारका तक, कोई ऐसा राज्य ही नहीं था, कोई ऐसा एरिया ही नहीं था जो महाभारत वॉर का पार्ट नहीं। इसके अलावा उड़ीसा, उज्जैन, पंजाब, मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जिनकी पहचान महाभारत से जुड़ी हुई है। जरूरत है तो प्रमाणों के आधार पर उन पर सही रिसर्च करने की। हम इस समय बरनावा में मौजूद हैं, जहां पर करीब करीब 5000 साल पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। हालांकि हम जहां पर इस समय हैं, ये उसी टीले पर बनाया गया एक मुगल इमारत है जिसका इतिहास करीब 500 से 600 साल बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज़मीनी खुदाई में जो सारी चीज़ें निकल रही हैं, जो अवशेष मिल रहे हैं, जो कंकाल मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें तारीखों के हिसाब से दर्ज होंगी, क्योंकि इससे पहले भी 1952 से लेकर 2005 फिर खुदाई हुई थी, जो चीज़ें निकली थी उन सब के प्रमाण मिले थे कि वो कब के हैं। इतिहास में दर्ज कभी नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। महाभारत को महाकाव्य माना गया है। अगर इतिहास का दर्जा हासिल करना है तो ये तमाम प्रमाण के बावजूद बहुत ज़रूरी होगा कि इसकी स्वीकार्यता भी हो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, खासकर क्योंकि एक बहुत लंबा संघर्ष सामने होगा। लेकिन जो बात अद्भुत है वो ये कि महाभारत में 110,000 श्लोक पद हैं जो इसे सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं समूची दुनिया में, और इसे पाँचवें वेद का दर्जा भी हासिल है। महाभारत की रचना को हजारों वर्ष बीत गए, वो सभ्यताएं भी नष्ट हो गईं जिनके आधार पर महाभारत को रचा गया था, लेकिन इसके प्रसंग आज भी महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि वेद व्यास को महाभारत लिखने में 3 साल लग गए थे, क्योंकि तब लिपि में लेखन विकसित नहीं हुआ था और उसे मौखिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। अथ श्री महाभारत कथा। वेद व्यास ने जब महाभारत की रचना की थी तब इसका नाम सिर्फ भारत रखा था। महाभारत में ही विवरण मिलता है कि देवताओं ने जब तराजू के एक पलड़े में चारों वेद रखे और दूसरे में भारत नामक ग्रंथ, तो भारत ग्रंथ का पलड़ा भारी बैठा और देवताओं ने ही इसे पांचवें वेद के समकक्ष माना। इसके बाद ऋषि मुनियों ने भारत नामक ग्रंथ का नाम महाभारत रख दिया।
महर्षि वेदव्यास ने इस ग्रंथ के बारे में कहा है, यन्नेहास्ति न कुत्रचित, यानी जिस विषय की चर्चा इस ग्रंथ में नहीं की गई है उसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। पूरे महाभारत में 100,000 से ज्यादा श्लोक हैं जो यूनानी महाकाव्यों इलियड और ओडिसी से परिमाण में अधिक बैठते हैं। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महाभारत को विश्व इतिहास का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य बताया है, जिसमें इंसानी जीवन के सारे भावों को दर्शाया गया है जो हर सदी में पाए जा सकते हैं। महाभारत दरअसल चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बनते बिगड़ते संबंधों की गाथा है, जिसके इर्द गिर्द पूरी भारतीय वैदिक सभ्यता सिमटी हुई है। इतिहासकारों ने इसे महाकाव्य से आगे बढ़ने नहीं दिया, जबकि अब जमीन से निकलते सबूत खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक काव्य नहीं बल्कि भारतवर्ष के इतिहास की जीती जागती सच्चाई है। इतिहास क्या है? कई लोग कहते हैं गैर जरूरी है, खंडर है, ये टूटे फूटे इमारतों के अंश हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये कि उसका एक अंश हम में भी है, उसके कारण ही हम हैं। यही तो है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और सत्या राउत्रे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।